मेरे प्रभु आए, चारों भैया ब्याह करके आए। धर्माचरण करेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। धर्म में लगे रहेंगे तो धर्म भगवान के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, वो अपने आप भरते चले आएंगे। लोग नहीं, ये तीर्थ के जो बैठे भगवान है ना, ये जब आप धर्म में गति करते हैं तो धर्म भगवान अपने आप, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। विदाई भी हो गई, हमको तो दक्षिणा लेना नहीं है, तीर्थ की कथा है। यहां जो लेके ये तो मित्र लोग तो हमारे साथ चलते हैं, जो भी यहां अर्पित करेगा उसके घर में पहले से पहुंचेगा। त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा है, जो जैसे अर्पित करेगा साहब, आप करके देखो। अरे दुई बालक गए और चार बहुनियां आई, ये तो यही तो और क्या है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मेरा निज का अनुभव है। रिद्धि सिद्धि कैसे, रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति स्वतः अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। गुरु जी ने कहा था ना, जिम सरिता सागर महु यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। धर्म में जो रहेगा उसके पास सुख संपत्ति रूपी रिद्धि सिद्धि अपने आप नदी स्वरूप में उसके भाव समुद्र में प्रवेश करती जाएंगी। कुछ नहीं करना, अपने आप होता है, सब होता है। जनक जी ने दिया बहुत, चक्रवर्ती जी ने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? बांट दिए, जो बचा उबरा सो जरवा से आवा, बांट दिए। अरे अयोध्या में कम है क्या? अवधराज सुरराज सिहाजी दशरथ धन सुनी धन दल जा। यहां कुबेर महाराज विराज रहे हैं, लेकिन अयोध्या जी की संपत्ति का दर्शन करके नहीं, केवल कान से सुनकर कुबेर लजा जाते हैं। यहां मैं क्या दूं, इतना अपार है साहब। धर्म में खर्च करने पर, धर्म में समय देने पर, धर्म में मन देने पर हृदय प्रफुल्लित और आनंदित होता है, गदगद होता है। मैं तो कर ही रहा हूं, आप सब भी इसका अनुभव कर रहे होंगे। हमारे एक मित्र, उनको मैंने कहा कि सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बोले सरकार मैं आज 5 बजे से उठ करके और यही सपना देख रहा हूं कि आप विवाह उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, बढ़िया सा रथ बना है और क्या बाजा बज रहा है, मैं 2 घंटा उसी में लगा रहा। मैंने कहा मैं अभिषेक कर रहा था और तुम्हें याद कर रहा था सुरेंद्र बाबू, उधर सपना देख रहे हैं। हमको कहा गया संकल्प करो, तो जितने परिकर बच्चे हमारे मित्र हैं हमने सबका स्मरण कर लिया, जो तन से नहीं है वो मन से हाजिर हो। सब है ना, हम यहां है वो वहां है, हैं तो है। आप स्मरण करो, धर्म में तन लगेगा तन सुंदर हो जाएगा, मन लगेगा मन सुंदर हो जाएगा, धन लगेगा धन सुंदर हो जाएगा, संतान लग जाएगी संतान भागवत हो जाएगी। धर्म में लगना चिंतन, मैंने किसी कथा में बात रखी थी कि हम भक्त हैं, हमारे चिंतन का परिणाम परमार्थ होना चाहिए, अर्थ नहीं। परमार्थ कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। चिंतन में भगवान हो जगत नहीं, चिंतन में हिसाब न हो, चिंतन में हरि हो। फिर गदगद बैठे घंटा आध घंटा हरि चर्चा। तो अयोध्या जी में सरकार आए, माताएं चारों, प्रभु, अब प्रजा ने चिंतन प्रारंभ किया। देखिए राजा का सुख प्रजा के चिंतन और सत्कर्म से बढ़ता है। प्रजा ने यदि मंगल चिंतन किया तो राजा का महामंगल होगा। प्रजा ने यदि राजा के बारे में अन्यथा सोचना प्रारंभ किया तो राजा का कभी लाभ नहीं होता है, राजा को हानि होता है। राजा साक्षात भगवान श्रीहरि का स्वरूप है, इसलिए राजा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यूं ही कोई राजा नहीं होता है। राजा
अपने पुराकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। जो राजा की निंदा करेगा प्रकृति उसका हिसाब कर देगी। ईश अंश संभव महिपाला बालकांड मानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा ईश्वर के विशेष अंश से उस पद को सुशोभित करता है। और जहां भगवान जगत के राजा, क्या कहना, ऐसे परमात्मा श्री राम श्री अवध में आए विवाह के पश्चात भैया लोगों के साथ, तो प्रजा ने चिंतन किया, महाराज सब सुखों का दर्शन करा दिए, ये राम जी को युवराज पद पर बैठाकर तिलक कर देते, ये नेत्र धन्य हो जाते। जैसा प्रजा सोचती है राजा को प्रकृति वैसा सोचवाना प्रारंभ करती है। परिवार से ले लीजिए, परिवार में जब हम बैठते हैं तो परिवारी जनों का चिंतन व्यवहार वो पिता के व्यक्तित्व को, विचार को, स्वभाव को, स्वरूप को प्रभावित करता है। बहुएं, बच्चे, पोते, पोती, बिटियां, नाती, दामाद, यदि सारे अनुकूल हैं मन से तो पिता गदगद होता है, हे भगवान दीनानाथ आपकी बड़ी कृपा है। थोड़ा भी कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो चिंतन प्रभावित होता है, कष्ट होता है। फिर बाहर से भले दिखाई पड़े हम बड़े मगन हैं लेकिन अंदर की साल वो जाती नहीं है। और जब सब मन के अनुकूल होते हैं तो गदगद होता है। प्रजा की अनुकूलता पर महाराज गदगद हो गए। एक दिन की घटना है, सरकार चक्रवर्ती जी ने दर्पण लिया और अपने मुकुट को सीधा किया, राय सुभाय मुकुर कर लीला, बदन बिलोक मुकुट समकी। महाराज ने देखा श्रवण समीप भये सित के, मनहु चरठ पन अस उपदेश। मानो जरटपन मने अब शरीर की जीर्णावस्था आ गई है, चौथापन तो आ ही रहा है, अब अधिकार छोड़ने का समय आ गया। जानते हैं, चाह करके भी हम अधिकार नहीं छोड़ सकते हैं यदि वो न चाहें। भगवान चाहेंगे तभी हमको अपने में लगने देंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो आप योजना बनाते जाओ, सब योजना फेल हो जाएगी, सब रखी की रखी रह जाएगी। महाराज चिंतन करने लगे, कान के पास के बाल श्वेत त्रेता है ना, श्वेत हो गए, अब अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई, मुझे राज पाठ का भार ज्येष्ठ पुत्र राम जी को सौंप देना चाहिए। संकल्प आना बुरा नहीं है, पूरा करना इनका काम है, इसलिए जब भी जीवन में कोई संकल्प आए तो उसको अपने भरोसे पूरा नहीं करना चाहिए, भगवान के भरोसे डाल देना चाहिए। प्रभु सोचा था यज्ञ करूं, आपकी कृपा हो तो हो जाए, वो कृपा करेंगे, क्यों, यज्ञ नारायण साक्षात स्वरूप है। कीर्तन का संकल्प आए, प्रभु आपकी कृपा हो तो कीर्तन हो जाए, हो जाए, हो जाएगी। होने के बाद भी ये ना निकल जाए मैंने यज्ञ करा दिया और मैंने कीर्तन करा दिया। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कहीं यज्ञ हो रहा था और यज्ञ होते होते जो यजमान थे उन्हें की आहुति हो गई। क्यों, हम नहीं कर सकते साहब ये हम कर सकते। कबीर बाबा से किसी ने कहा, बड़े धर्मशील हैं, बड़े भागवत हैं, साधु सेवी हैं, कबीर बाबा ने कहा मैं ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो मेरे राम ने, बस भयो कबीर। दुनिया जहां रहती वहीं सोचती है साहब। मनुष्य के सोचने का अपना एक तौर तरीका है, भक्त के सोचने का ये तरीका है, जो करे भगवान करते। देनहार कोई और है, देता है दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे
नहीं, साधक को वैसा रहना, मैं नहीं करता, मैं कर नहीं सकता। चक्रवर्ती जी ब्रह्म के पिता हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्म जिनका पुत्र होकर आ गया, स्वर्ग की कल्पना करते हैं लोग कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। एक बार श्रीमद् भागवतम में नरक और स्वर्ग को ठीक से समझ लो आप, तो आप फिर कल्पना करना बंद कर देंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे। पढ़िए, नरकों का भी वर्णन है, स्वर्ग का भी वर्णन है। स्वर्ग में कौन रहता है बोलिए ना? देवता। देवताओं को कौन हराता है? तो देवता किसकी शरण में जाते हैं? भगवान कौन है? बद्री विशाल। वहां तो आप आई गए हैं, तो जाना कहाँ है बताओ? भगवान बद्री विशाल विराजित हैं, उनका दिव्य धाम है। और मैं आपसे अब बद्री विशाल भगवान जो समझे सो समझे, मैंने 20 वर्ष की कथा यात्रा में जो समझा है, कदाचित कोई स्वर्ग ले भी जाए तो स्वर्ग में न जाइएगा, बल्कि फिर लौटकर भारत में आइएगा। यही कथा है। देवता लोग भुजबल विश्व बस्य करी, रावण राखिस को न स्वतंत्र, पुण्य पुण्य सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकेव मेरी। भगवान से कभी धरती का सुख नहीं मांगना चाहिए। क्यों? सुख हमारे यहां से मिलेगा। सुख मिलता किसको है? जो सत्कर्म करता है। बिना सत्कर्म के सुख नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हैं और चक्रवर्ती जी उनके पिता हैं। कहा था आप तब तक अमरावती में रहेंगे। क्यों? अमरावती सुरक्षित बहुत है। बड़े आदमी जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो मकान बड़ा नहीं चाहते हैं, वो मकान ऐसा चाहते हैं कि जो सुरक्षित हो। हमारे अखिल भारतीय वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय हरि भैया श्रीमा हरिचंद जी जायसवाल, वो अरबपति है। कहो अजय बाबू, तो बड़े खास हैं उनके। उनका मकान जितने में यह है ना, इससे भी पतला होगा, 3-4 तल्ले है। मैंने कहा भैया बड़ा मकान आप क्यों नहीं बनवाते हैं? बोले बाबू सुरक्षित है। क्यों? सामने थाना है, सुरक्षित है। हमने कहा लेकिन ये बहुएं, बोली एक ऊपर रहती है एक नीचे रहती है, और यदि मकान बड़ा ले लेंगे तो सब अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, सब इकट्ठा मेरे पास रहते हैं। मकान है, उसका बाथरूम नहीं बनवाया, बहू में कहती है, तब ने कहा बाथरूम नहीं बना, कहां जाओगे, यहीं रहो। सुरक्षित और ममता, ये बड़ा स्वर्ग में क्या है? आप यहां से जब जाएंगे तो वहां कोई किचकिच नहीं है, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने कक्ष में अपने अपने क्षेत्र में एकदम व्यवस्थित रहते हैं। जिसका जिसका 10 दिग्पाल है ना, 10 दिशाओं में सब सुरक्षित है। लेकिन हम केवल सुख चाहेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। भगवान ने कहा आप अनुशासन मानकर अमरावती में वास करिएगा, लेकिन कुछ काल बाद आप जब अयोध्या में राजा रानी इस रूप में अवतार लेंगे, तब हम अंशों सहित आपके पुत्र होके आएंगे। आप विचार करिए, क्या भगवान श्री रघुनाथ जी की अनुमति के बिना देवराज इंद्र कुछ कर सकते? कोई देवता भगवान की अनुमति लिए बिना कोई रचना बिगाड़ बना सकता है क्या? नहीं। उत्तरकांड में स्तुति में देवता आते हैं,
देवराज इंद्र भी कहते हैं प्रभु धिक जीवन देव शरीर है रे, हमको धिक्कार है क्यों, हमने केवल सुख भोगा, हमने आपका भजन नहीं किया, बनता नहीं। एक बात और, यद्यपि ठीक नहीं है फिर भी ठीक लगेगी आपको, जीवन में सब कुछ हो जाए तब भी भगवान से ये मांगते रहिएगा कि प्रभु एक छोटा ही सही लेकिन दुख जीवन में बना रहे। कारण जब तक दुख नहीं रहता है तब तक कोई भगवान को याद करता है नहीं करता है।